आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम शतक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए अब रुक कर लेते हैं देश दुनिया से जुड़ी 100 बड़ी खबरों पर। पहाड़ों से लेकर मैदान तक सर्दी का कहर, दो पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में प्रवेश करने की संभावना। महबूबा मुफ्ती का भाजपा पर आरोप, जो इनके खिलाफ बोलता है उसे या आतंकवादी या पाकिस्तानी बताते हैं। राकेश टिकैत ने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को दी श्रद्धांजलि, उनके साथ संयुक्त किसान मोर्चा के अहम नेता शामिल। आईटी मंत्रालय ने प्रियंका के आरोप को बेबुनियाद दिया करार, प्रियंका गांधी के बच्चों का इंस्टा अकाउंट नहीं हुआ था है। हरियाणा सरकार ने घटाई शराब पीने की उम्र, अब 21 साल के युवक भी खरीद और पी सकेंगे अल्कोहल। हरीश रावत का कैप्टन कप पर करारा तंज, जो कहा आदमी जो बोता है वही काटता है। मोहम्मद साहब पर किताब में आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में याचिका, वसीम रिजवी को हाईकोर्ट का नोटिस। बिहार में ग्रामीण सड़कों की सुधरेगी हालत, मेंटेनेंस पॉलिसी में सरकार जल्द करेगी बदलाव। निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश, राजनीतिक दलों को बताना होगा दागी प्रत्याशियों को टिकट देने का कारण। ओमिक्रॉन को लेकर शोध में हुआ बड़ा खुलासा, ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर है स्पुतनिक वी का टीका। अमित शाह, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा की सुरक्षा में सीआरपीएफ की महिला कमांडो भी होंगी शामिल। कैप्टन अमरिंदर बोले, कांग्रेस के सभी एमएलए अवैध खनन में है संलिप्त, बताना नहीं चाहते ना। राजस्थान में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का रास्ता हुआ साफ, गहलोत सरकार ने नियमों में किया संशोधन। ब्राह्मणों पर फिर भड़के जीतन राम मांझी, कहा पुजारी करते हैं मांस मदिरा का सेवन, राम भी है काल्पनिक। बिहार के नेता प्रतिपक्ष पर जदयू ने किया पलटवार, अध्यक्ष बोले तेजस्वी खुद अव्यवस्था के हैं प्रतीक। अयोध्या में माननीयों के भूमि खरीदने पर सीएम योगी आदित्यनाथ हुए सख्त, विशेष सचिव से 5 दिनों में मांगे रिपोर्ट। यूपी में 12 लाख पेंशनरों को योगी आदित्यनाथ सरकार का तोहफा, 31% महंगाई राहत देने का शासनादेश जारी। दिल्ली से योगी आदित्यनाथ के लिए अच्छी खबर, यूपी चुनाव में मोर्चा संभालेगी मुस्लिम महिलाएं।
चित्रकूट में विपक्ष पर बरसी केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, बोली जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। प्रधानमंत्री आवास निर्माण में अमेठी को देश का पहला स्थान मिला, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर जताई खुशी। आगरा में विधायक की शिकायत पर हुई कार्रवाई, भाजपा नेता को किया गया नजरबंद। बलरामपुर में भाजपा की जन विश्वास यात्रा का हुआ जोरदार स्वागत, कार्यकर्ताओं ने किया यात्रा का स्वागत। चंदौली में धर्मांतरण का मामला आया सामने, युवती ने लगाई न्याय की गुहार। चंदौली में धान क्रय केंद्र प्रभारी हुआ निलंबित, शिकायत मिलने पर हुई है कार्रवाई। फर्रुखाबाद में अस्पताल में युवक ने काटी अपनी नस, चौकी इंचार्ज पर लगाया गंभीर आरोप। लखीमपुर खीरी में युवा मोर्चा सम्मेलन का हुआ आयोजन, सम्मेलन में परिवहन मंत्री ने की शिरकत। प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में हुई युवती की मौत, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने छात्रा को कुचला। रायबरेली में न्यायालय के आदेशों की उड़ी धज्जियां, दबंगों ने खड़ी फसल पर चलवाया ट्रैक्टर। सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पशु तस्करों को किया गया गिरफ्तार। संभल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही हुई सामने, नसबंदी ऑपरेशन से महिला की हुई मौत, आशा बहू पर लगा गंभीर आरोप। संभल में देखने को मिली आगजनी, पराली में लगी आग, पशुओं की झोपड़ी जलकर हुई खाक। सिद्धार्थनगर में गोंडवाना पार्टी सम्मेलन का हुआ आयोजन, सपा कार्यालय पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। राम की नगरी अयोध्या में पहुंचे गायक लखबीर सिंह, राम लला के भवन का हुआ शिलान्यास। चंदौली में धान क्रय केंद्र पर लगा गलत आरोप, धान खरीद में हुई मनमानी। आगरा में पेट्रोल कम के सेल्समैन की दबंगई आई सामने, दंपति के साथ हुई मारपीट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अयोध्या में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़। बलिया में आरक्षण के बयान पर ओपी राजभर का बयान, कहा भारतीय जनता पार्टी निषादों को आरक्षण देने के नाम पर कर रही है ड्रामा। फर्रुखाबाद में ठगी का शिकार हुए ग्रामीण, फर्जी फॉर्म बनाकर की गई ठगी, मामले की जांच में जुटे पुलिस।
फतेहपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार सवार ने युवक को मारी टक्कर, गंभीर हालत में अस्पताल में हुआ भर्ती। फतेहपुर में जिला अस्पताल में महिला की हुई थी मौत, डॉक्टर पर लगा लापरवाही का आरोप। हमीरपुर में जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण, जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। प्रतापगढ़ में रमेश यादव का किया गया सम्मान, रेस्टोरेंट में सम्मानित सभा का हुआ आयोजन। संभल में मंडल के 5 जिलों में स्वच्छ भारत मिशन, वेतन बढ़ाए जाने की भी उठाई गई मांग। संभल में तमंचे के नोक पर 5 लाख की लूट, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए लुटेरे, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सोनभद्र में भारतीय मजदूर संघ ने की प्रेस वार्ता, प्रबंधन को सौंपा ज्ञापन। चंपावत में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा का हुआ आगमन, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। जस्टिस आर एस चौहान होंगे सेवानिवृत्त, जस्टिस संजय कुमार होंगे कार्यवाहक चीफ जस्टिस। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन का पहला केस आया सामने, स्कॉटलैंड से लौटी युवती हुई संक्रमित। देहरादून में राजनीतिक गलियारों में हलचल हुई तेज, पूर्व मुख्यमंत्री ने की यूकेडी नेताओं से मुलाकात। गलियार में चुनावों की सरगर्मियां हुई तेज, आप पार्टी के प्रत्याशी से नाखुश दिखी जनता। कालियार में चुनाव को लेकर मैदान में उतरी आप, विपक्षी पार्टियों पर जमकर बरसे इंजीनियर श्वादावादा। रुड़की में लॉन्च हुआ साउंडिंग रॉकेट, रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों ने किया लॉन्च। हरीश रावत के तल्ख तेवरों के बाद कांग्रेस हाईकमान ने सभी वरिष्ठ नेताओं को किया दिली तलब। न्यू ईयर के जश्न के लिए पर्यटन स्थल मसूरी और धनौती तैयार, 90% होटल हो चुके हैं, वो बर्फबारी कर सकती है। आपका स्वागत। हरीश रावत के समर्थन में उतरे विधायक और सांसद, बोले हरदा को घोषित करें मुख्यमंत्री का चेहरा। उत्तराखंड में हाईकमान पर सीधे निशाना साधा गया, हरीश रावत ने चुनाव में फ्री हैंड देने को बनाया दवा। नए साल में परिचालकों को मिलेगी आधुनिक टिकट मशीन, देहरादून रीजन में ट्रायल शुरू। उत्तराखंड में बेटियों को पुलिस सिखाई कि आत्मरक्षा के गुर, इस साल अपहरण और दुष्कर्म की घटनाएं 42% तक बढ़ी।
उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत बोले, हरीश रावत ने पंजाब से कुछ सीखा है, उन्हें आराम करना चाहिए। हरीश रावत के ट्वीट से सियासी तूफान, बीजेपी ने किया तंज, उत्तराखंड के अमरिंदर हो सकते हैं रावत। तालिबान को 60 लाख डॉलर की मदद देगा संयुक्त राष्ट्र, गृह मंत्री हक्कानी को सौंपी जाएगी धनराशि। ब्रिटेन में कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटों में सामने आए रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा नए मामले। विज्ञापन में महिलाओं की तस्वीर के इस्तेमाल पर तालिबान ने लगाई रोक, लोगों ने जताया विरोध। फ्रांस में ओमिक्रॉन जल्द हो सकता है कोरोना संक्रमण का प्रमुख कारण, देश में नए प्रतिबंध लगाने से इनकार। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बीच सिंगापुर में बड़ी सख्ती, क्वारंटाइन फ्री ट्रेवल के लिए नए टिकटों के बुकिंग क्लोज। भारत ने अफगानिस्तान पर यूएनएससी के प्रस्ताव का किया स्वागत, मानवीय सहायता के लिए प्रतिबद्ध। कोरोना वायरस को मात देगी फाइजर्स की एंटीवायरल गोली, अमेरिका ने इस्तेमाल को दी मंजूरी। हांगकांग यूनिवर्सिटी ने हटाई चीन की पिलर ऑफ शेम प्रतिमा। चीन में फिर से कोरोना का खौफ, 1.3 करोड़ की आबादी वाले शियान में लॉकडाउन। नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के डर के साए में लौटने लगा सख्त पाबंदियों का दौर, इजराइल लगाएगा वैक्सीन की चौथी डोज। जी सोनी विलय की प्रक्रिया 8 महीने में होगी पूरी, आ सकती है कानूनी अड़चने। ओरिजिन की फ्लाइट से अंतरिक्ष घूमने जाएंगे फेंकू जस्टिन। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते 200 ट्रेनें रद्द, लाखों मुसाफिर हुए परेशान। रेलवे का बड़ा फैसला, इन 200 ट्रेनों को किया जा रहा है कैंसिल, शॉर्ट टर्मिनल व शॉर्ट ओरिजिनेट। पीएम किसान की 10वीं किस्त जारी करने की तारीखों हुई तय, मोदी ने 1 जनवरी 2022 के दिन दोपहर 12 बजे पीएम किस्त जारी करेंगे। प्लस हेल्थ सर्विसेज के शेयर 81% प्रीमियम के साथ आए लिस्ट में, कंपनी को मिल रही है अच्छी प्रतिक्रिया। महंगाई भत्ते में 3 से 13% की होगी बढ़ोतरी, जनवरी की सैलरी में बढ़कर आएगा पैसा। जीएसटी देने वाले व्यापारी हो जाए सतर्क, वसूली 1 जनवरी से अफसर करेंगे।
आयकर विभाग ने 1.38 करोड़ लोगों को जारी किया 1,44,328 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड। राकेश झुनझुनवाला के निवेश वाली अकासा एयर ने जारी किए लोगो, अगले साल अकासा एयर शुरू करेगी फ्लाइट। अमेरिका की क्रिकेट टीम ने T20 मैच जीतकर रचा इतिहास, पहली बार किया टीम ने खबर। विजय हजारे ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चार टीमों का हुआ ऐलान, चारों टीमों ने किया क्वालिफाई। रवीज राजा ने दिया बड़ा बयान, यासिर शाह ने पाकिस्तान क्रिकेट को किया बदनाम। साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम इंडिया के 3 खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजर। राहुल द्रविड़ ने पुजारा रहाने संग दक्षिण अफ्रीका में लिए बारबेक्यू नाइट के मजे, फैंस ने पूछा विराट कहां गए। आईपीएल 2022 को ओमिक्रॉन से प्रभावित होने से बचवाने के लिए बीसीसीआई पहले ही कर सकती है तैयारी। एमएस धोनी क्रिसमस मनाने दुबई पहुंचे, बेटी दीवा अलग ही अंदाज में आई नजर। भारतीयों से भरी आधी टीम ने अमेरिका को दिलाई ऐतिहासिक जीत, गजानंद सिंह ने ढाया कहर। महिला भारतीय महिला टीम को सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप में मिली बांग्लादेश से हार। कबड्डी लीग में यूपी योद्धा को बंगाल वॉरियर्स ने दी मात, दूसरे हाफ में मात्र 5 अंक से पीछे रही टीम। हैरी पॉटर रिटर्न टू हॉगवर्ट्स का ट्रेलर हुआ रिलीज, हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी के 20 साल पूरे होने के जश्न में 1 जनवरी 2022 को एक खास सेलिब्रेशन किया जाएगा आयोजित। रैपर डैरिल कैल्डविल की चाकू मारकर की गई हत्या, म्यूजिक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने के बाद उनका हुआ था झगड़ा। नौरा फतेही बनी सरकारी गवाह, जैकलीन के दोस्त सुकेश चंद्रशेखर के राज खोलेंगे। आइडल 12 फेम साइली कामले ने अपने बॉयफ्रेंड धवल से रचाई सगाई, सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियोस। बर्थडे से पहले सलमान खान का फैंस के लिए जबरदस्त तोहफा, ओटीटी पर 24 दिसंबर को आएगी अंतिम द फाइनल ट्रुथ। राखी सावंत के पति रितेश ने किया खुलासा, बोले मैं राखी से अभी तक लीगली मैरिड नहीं हूं। हमसा नंदिनी को हुआ ब्रेस्ट कैंसर, सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी।
23 दिसंबर को होगा राधे श्याम का ट्रेलर रिलीज। फिल्म में प्रभास पूजा के अलावा भाग्यश्री भी लीड रोल में आएंगी नजर। टाइगर श्रॉफ को यूके में गणपत की शूटिंग के दौरान आंख में लगी चोट, एक्टर ने सेल्फी शेयर कर खुद दी जानकारी। सुशांत सिंह राजपूत की याद में भावुक हुई श्वेता सिंह कीर्ति, दिवंगत भाई को वापस आने की कामना। और इसी के साथ प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।